है किट्टू, किट्टू या कहाँ है? शाशु में आके लिए बड़ी सी चूड़ी और हम लोग साड़ी नहीं है तो मैचिंग कर जो क्या बोलते हैं कड़े बेड़े भी ले लेते हैं, ले लिए हैं। ये देखिए पूरा सेट बनवाया किट्टू ने जो फिर मैं जा रहा हूँ मार्केट, फिर इतनी भाग दौड़ पड़ जा रही, इतना काम है, इतना मैंने घुस के अंदर ना रहे, सीधे उड़ जाए अंदर लिफ्ट हो रहा बहुत तेज तेज पहले बार। वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी मैं किट्टू भाई साहब, क्योंकि हमें कुछ आज काम है बैंक में, कल हम लोग बैंक गए जा रहे थे लेकिन बैंक मैनेजर से बात हुई, वो बोले कि मैं हूँ नहीं, आप लोग कल आइएगा। हालांकि आज मैंने फोन नहीं किया, आज मैं डायरेक्ट ही जा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे और भी ज्यादा और भी काम है, उसी जगह काम है, अगर नहीं भी मिलेंगे तो मेरा दूसरा काम हो ही जाएगा। 500 रुपए की मैं एक लाइट, हाँ साड़ी के लिए तो मम्मी के लिए चूड़ी उड़ी लेबे नहीं किए हम, तुमको थोड़ा सा भी याद नहीं आया? ये हमें को याद आएगा तो देख लो फिर तुम कैसे कर सकते हो। चूड़ा तो पहने भी नहीं, ये बात है, चूड़ी उड़ी तो लिए ही नहीं यार। पीले कलर की चूड़ी लेनी है, मम्मी तो कांच वाला पहनती है ना, तो मैं जाऊंगा, मुझे मैं वीडियो कॉल करूंगा, दिखा बता देना मुझे। अब तुम्हें मैं आज लेकर के नहीं जाऊंगा कहीं पे भी ऐसे फालतू, तुम अभी जा रहे हो फिर वापस आ जाना। मैं कह रही हूँ कि जब तक वो जियो वाला इनका आएगा तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे तो हम पूछ लेंगे फोन करके साइज क्या है ना, साइज पूछ लो। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक में, और किट्टू को एक साइन करना था, काफी टाइम हो गया, वो हमसे बात भी हुई थी कि आपको आना है और हम आ भी नहीं पाए थे, तो आज हम जा रहे हैं बैंक। कहाँ है किट्टू, किट्टू या कहाँ है? आपके ये बजरंग बली वाला है ना? हाँ, बजरंग बली के चरणों से निकाल के लगाया मैंने। अच्छा, तुमको भी तो लगाया मैंने। तभी हम कह रहे हैं आजकल क्या लगाते हैं आपके। पहुंच चुके हैं बैंक में, ये रहे चरण। अरे यार बैंक में निकले नहीं है यहाँ, नहीं है क्या? आने वाले है काम, देख लेंगे उसको। मैं और किट्टू बैंक में गए थे लेकिन अचानक से मैनेजर साहब ने बोला भैया अपना फोटो दे दो। मैं कहा सर आपने फोटो के लिए तो बोला ही नहीं था, मैं फटाफट आया हूँ, किट्टू की ऑलरेडी फोटो मेरी ड्राइव में थी तो मैं फोटोज बनवा रहा हूँ, और भैया ने बोला यार अब आए हो तो अपनी फोटो आप खिंचा ही लो। मैं कहा चलो भैया आप खींच दो फोटो, तो भैया ने आज पता है 8 फोटो के 80 रुपये लिए मुझसे, और 10 फोटो मैंने बनवाया 16, तो 16 160 रुपये मेरे टोटल ले लिए। भैया लूट लिया, भैया ने लूट लिया, चलो कोई बात नहीं, एट ए टाइम मेरा काम हो गया। तो भैया से फोटो बनवा कर बढ़िया फोटो, मैंने बोला भैया फर्स्ट क्लास, मेरे को सजा करके धजा के तो मस्त फोटो बना के देना। तो भैया आप लोग भी अगर बैंक जाते हो तो अपना ध्यान रखो, फोटोज आधार कार्ड ये सब जरूर लेके जाओ, लेकिन हमसे तो मिस हो गया तो कोई बात नहीं, अब हमारा बन रहा है फोटो। तो आ गई है यहाँ पे, ले रही है अपनी शाशु में आके लिए बढ़िया सी चूड़ी, और हम लोग साड़ी लिए तो मैचिंग कर जो क्या बोलते हैं कड़े बेड़े भी ले लेते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे चूड़े, लेकिन मम्मी का साइज ऐसा है कि उनको साइज मेरा आएगा नहीं, इसलिए उनको लेना ही पड़ेगा, और अच्छा नहीं लगता कि बस साड़ी दे दो और कुछ पहने, तो ये सब भी लेना जरूरी है। तो आप लोग भी कमेंट करते, ये दिखाई भैया तो कड़े बेड़े लगा के दिखाते गोल्डन और उसमें है ना, तो ये लमें कैसा लग रहा है बताइएगा। तो गाइज हम लोग घर पे आ गए हैं, और घर पे आने के बाद थोड़ा सा खाना पीना खाया, सारा सामान यहाँ इकट्ठा करके रख दिया, सारा सामान है। और किट्टू ने सासू माँ को देने के लिए जो चूड़ा लिया आप लोग को दिखा देते हैं, ऐसे ही ले लिए हैं। ये देखिए पूरा सेट बनवाया है किट्टू ने जो कहा साड़ी का मैचिंग का ले लिए, हम कहे नहीं तो सेट ले लेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो साड़ी दूसरा चूड़ी दूसरा, तो उनको फोन किए थे जेठानी जी को, हम बोले कि चूड़ी कौन सा साइज लगता है, बोली 2.25 लगता है, कहे मम्मी कि हम चूड़ा दिए हैं तू तो चूड़ा पहनू, चूड़ा तो पहनी है,
तो हम कहा कि मैचिंग करे सही रहे ना। अभी आया हूँ, किट्टो को छोड़ा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि इतनी भाग दौड़ पड़ जा रही, इतना काम है, इतना सामान लाना है, क्या बताएं, बस बने रहिए। तो आज मुझे गांव जाना था और मेरे बैग का चैन खराब हो गया है, मैं ये बैग लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा सामान वहाँ से चलाना होगा, तो इसलिए मैं बड़ा बैग लेके जा रहा हूँ, और मुझे बड़ा बैग लेके जाने की जरूरत नहीं थी, बस सामान हो सकता है कुछ लाना पड़े, इसलिए बड़ा बैग लेके जाना था, इसका चैन खराब हो, तो मैं चैन सही करा लेता हूँ और फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। मैं मार्केट गया था, मार्केट से इन लोगों के लिए पता है क्या क्या लेके आया, समोसे वगैरह लेकर के आया, और पापा के लिए ना बिल्कुल बेहतरीन सा कुर्ता लेकर के आया हूँ, क्योंकि सब लोग का प्लान बन रहा है, अभी हम लोग का डेट फिक्स नहीं हुआ है गृह प्रवेश का, लेकिन पापा मम्मी आ रहे हैं, कभी भी हो सकता है, पापा मम्मी आएंगे तो जाएंगे साइट निकलवाने, साइट वाइट निकलवाएंगे उसी टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग साइट नहीं है, और पापा मम्मी को मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना पहले से ही प्लान कर रखा था, पापा मम्मी को पहले लेके आऊंगा हफ्ता 10 दिन पहले, थोड़ा सब लोग रहेंगे साथ में, इंजॉय करेंगे, गर्भ प्रवेश का तो हो ही जाएगा, तो पापा के आने से पहले मैंने पापा के लिए ये गिफ्ट खरीद लिया है। क्या कैसा लगा गिफ्ट आप लोगों को? येलो कलर का कुर्ता है ये, किट्टू काफी अच्छा लग रहा है, चलो तुम मेरे साथ देखियो की वो उधर उधर भागेगा, वहाँ हम बिजी रहेंगे, अभी तुम्हें ऐसे नहीं कर रहे कि हमें पता नहीं क्या उसका, वो झूले के चक्कर में कह रहा है, ठीक है तो कौन सा बोलते रहेगा, लेकिन समझ नहीं रहे हुआ, एक मतलब एक बंदा ऋषभ के पीछे फिर पड़ा रहेगा, ऋषभ को ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लिफ्ट में घुस गया अंदर ना रहे, सीधे उड़ जाएगा अंदर, लिफ्ट वाला बहुत तेज केस फैलत बाटे, ऐसे लिफ्ट बनते रहा, उगल दबाए दी सोचे अंदर, उगल बटन दबाए अंदर घुसी को पता ही नहीं चला, उगल एकदम नीचे लगला नहीं रहा, अंदर जो चला गया अंदर, नीचे लगला ही नहीं रहा, तुम नीचे गिर गए हुए और का मरी का की, यही तो बात हुआ है, कन्हैया न्यूज़ जोन दिखावत रहा है, तो पापा देखा उनके भैया हम तो रहेंगे आओ, तो लिफ्ट से ना आओ सीढ़िए से आओ, मतलब बच्चों का ध्यान देना पड़ता है, बच्चे का जिकरे जिकरे कब्बो ना जैसे मम्मी बाबू से जिकरा पैनिक में जिकरे निकल नहीं हो जाता है। तो गाइस क्या बोलते हैं, पापा के लिए हम रुमाल लिए हैं, कुर्ता लिए हैं, पैजामा लिए हैं, और मम्मी के लिए किट्टो लाई है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा चूड़ा, और हम ले चड्डी गंजी लेके आए हैं अपने, हमारा भाई फरना ही कहता सब 500 रुपए एक हवे जॉकी के, महंगा की 500 रुपए का ज्यादा अमीर बना था, नहीं हम आज से नहीं, हम शुरू से ही पहनते हैं जॉकी का ही, और हम आज गए थे बैंक में, मुझे साइन करना था आज एक्चुअली, हाँ आप लोगों ने देखा ब्लॉग में हम लोग बैंक गए थे, एक्चुअली कल ही ब्लॉग बैंक में जाना था, और हम लोग के साथ बड़ा ट्रेजडी हुआ, हम लोग बैंक से साइन करके वापस आ गए, घर के पास पहुंच गए, फिर बुला लिया कि भैया एक साइन रह गया है बताओ, बड़ी गुस्सा आई यार, हम बोले सर एक चीज बताओ, आपसे हम आधा घंटा बैठे रहे सर, कोई और साइन तो नहीं कराना है, हम तो बस खाली चाय पी के गए थे, लेकिन फिर ना जब 1:30 बजे ऐसे पेट वाला मेरा फुदूक, जैसे ना ऐसा लगता है ना कुछ जैसे ऊपर से खूब नीचे चढ़ रहा है, फिर नीचे से ऊपर पता नहीं क्यों, तो आज मैं निकल रहा हूँ गांव, तो मैं सारी व्यवस्था करके जा रहा हूँ ताकि किट्टो किसी चीज की दिक्कत ना हो, और किट्टो को बहुत प्यारी प्यारी चीजें आ गई है, लिलिया चलेगा मार्केट से चलेगा गाँव, हम की आज आएंगे कल, चाचा परसों आएंगे, नहीं कल आज ही जाएंगे, तो कल कैसे आ जाएंगे, कल पहुंचेंगे, तुम तो रो तो नहीं रही हम गांव जा रहे हैं, सवेरे रोवाई आवसा, लेकिन इतना थोड़ा कम था, अभी जब कुछ जाए लगभग तब हम के रोवाई आए, जब जाए लगभग तब रोवाई आए, तब उतरे ब्लॉग में आए ना अच्छा पका खाली कैसा लगा समोसा यहाँ का, बहुत दिन बाद किट्टो के तो ना प्रेगनेंसी थोड़ा सा महकता है कुछ कैसा खाने का, अरे मत बोलो यार, नहीं तो ना इतना सारा सुन सुन के ना, अरे तुम्हारी बीबी एक प्रेगनेंट नहीं है, तुम्हारी बीबी एक प्रेगनेंट नहीं, अरे मेरी बीबी एक प्रेगनेंट नहीं, मेरा पहला बेबी है भाई, मैं तो एकदम फुल टू एकदम एंजॉय कर रहा हूँ, और खूब करूंगा, और खूब ब्लॉग बना कर, जिसको देखना है, जिसको दिक्कत हो रही है तो ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन जो हमको प्यार करते हैं वो हमारा खूब वीडियो प्यार से देखते हैं, कोई बात नहीं, होते हैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो किट्टो ने मुझे चाय नाश्ता पानी करा दिया, और मेरे लिए खाना बनाएंगे, पनीर में ला के दे दिया हूँ, अपने ब्लॉग में सब सूट के तहत बोलना जरूरी भाई सर, बोलब का है ना, बोलब का है ना, तो कैसा लग रहा है आप लोग का, और बहुत दिन नजदीक आ गया, तो आज मैं फ्लैट पे नहीं जा पाया, ब्लॉग में बोला था आज मैं फ्लैट पे नहीं जा पाया,
हमने अपने ब्लॉग में बोला था कि मैंने साड़ी जो बात की थी साड़ी के लिए, तो जेठानी जी के लिए भी वो जब वो नहीं आएंगी, इतना रिक्वेस्ट की नहीं आएंगी, तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं? नहीं तो फिर मंगाने की क्या दिक्कत, तो कोई बात ही नहीं मानेगा जो लोग आएंगे ही नहीं, बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, अगर हम जैसे कि सब लोग चले आएंगे इतना बड़ा घर छोड़ करके कैसे आएंगे, एक लोग का घर पे रहना जरूरी है तो होता है भाई, ये सब जो लोग फैमिली में रहते हैं वो सब समझते हैं भाई, घर पे हमेशा घर खाली नहीं छोड़ के जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई एक बंदा होता ही है। लिलिया देखिए, तीन दिन से पहना है नहीं, इसमें तो उठो इसका टी शर्ट वाला लिलिया चलेगा गोलू पास चलेगा, अरे तबियत नहीं सही है, तबियत थोड़ा सा डाउन है। तो भैया मैं टायर्ड हो गया हूँ, मुझे अभी आगे और भी काम, थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, शाम के 6 बज गए, मेरी रात के 10 बजे ट्रेन है, तो भैया टाइम से निकलना भी पड़ेगा यहाँ, तो इस वाले ब्लॉक कहीं पे बताओ ना, ये नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत फ्री में रहते हो, तो कहाँ से फ्री में है, एक सुबह का इंसान निकल रहा है आ रहा है 10:30 or 11:30 सुबह 6:00 निकल रहे हैं दिल्ली और आ रहे हैं रात के 10:00, 11:00, 12:00 बाबरे, खाने का भी वो नहीं है होश की, कब खाना खाए, तरीके से वीडियो बन रहा है आप लोग देख रहे हैं तब पर भी, और मुझे लग रहा है कि अब मैं मतलब हफ्ते 10 दिन बाद फिर खाली पाऊंगा, अभी मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ, ना मैं फेसबुक पे ध्यान दे पा रहा हूँ, ना मौज ऐप पे ध्यान दे रहा हूँ, ना किसी ऐप पे ध्यान दे पा रहा हूँ, बस यूट्यूब पे मेरी वीडियोस रेगुलर आ रही हैं। तो गाइस इस वाले ब्लॉग का ही एंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, लव यू ऑल, बाय बाय।